प्रदेश में हाल ही में हुई अपराधी घटनाओं को लेकर विपक्ष में खासकर भाजपा राज्य सरकार पर काफी आक्रामक दिखाई दे रही है। विधानसभा में इस मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने यह मामला उठाया। सरदार शहर की थाने में नेमीचंद की मौत और उसकी भाभी के साथ हुए कथित दुष्कर्म का मामला, अजमेर रोड पर अपहरणकर्ताओं से चार लोगों को मुक्त कराए जाने का मामला और राजसमंद के भीम में हेड कांस्टेबल की मौत का मामला प्रमुखता से उठाया गया। इन मुद्दों पर नेताओं ने आरोप लगाया। वहीं राठौड़ ने नेमीचंद मामले में सीबीआई की जांच की मांग भी की है। जिस समय बलात्कार हुआ 3 या 4 तारीख को, जैसा भी उसने कहा हुआ न हुआ, वो जांच का विषय होगा, लेकिन उसको दर्ज करने में इतने दिन की 10 दिन की डिले का कारण क्या है और उसको एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल जब आपके पास उपलब्ध है तो फिर इसको प्राइवेट हॉस्पिटल का सहारा लेने के पीछे पुलिस की मंशा क्या थी? क्यों इसने पुलिस ने जानबूझ करके इसको देश को दबाने के लिए इधर से उधर घुमाया? उस मरे हुए नेमीचंद को हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं और मरे हुए नेमीचंद का ईसीजी होता है, ईसीजी के रिकॉर्ड पर ऐसा स्टेट आ जाता है और उसके बाद ये प्लान करते हैं। उसके बाद मैंने कहा क्या घटना हुआ है, पर उसके बाद उसको हार्ट अटैक दिखाकर और जबरदस्ती का दाह संस्कार करते हैं। मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय, इस पूरी मामले के अंदर जब तक सीबीआई की जांच नहीं होगी, आज के युग में इतने वर्षों बाद अगर आप ये फोटो देख लो अध्यक्ष महोदय, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कटारिया ने आरोप लगाया कि जयपुर में पिछले 4 महीने में 36% अपराधों में बढ़ोतरी और महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध में 47% की बढ़ोतरी हुई है। उधर सरकार की ओर से जवाब देते हुए नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि घटना हुई है इनकार नहीं कर रहे, लेकिन सरदार शहर में महिला के साथ ज्यादती नहीं हुई है। साथ ही नेमीचंद मामले में और अपहरण के मामले में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की है, पुलिस को बधाई देनी चाहिए। जब वो रिपोर्ट नहीं देगी, वो नहीं देगी, उसके परिवार वाले नहीं देंगे, कोई जनता का कोई आदमी आकर के नहीं देगा कि सब इसके साथ बलात्कार हुआ है, तो पुलिस क्या करेगी? पहली बार फर्स्ट टाइम उसके पति और उसके परिवारजन डीजीपी से आकर के 13 तारीख को मिले हैं। डीजीपी ने फौरन आदेश देकर के जो है उसके बयान पर्चा करवा करके और 14 तारीख को रिपोर्ट दर्ज करवाई है। अपराध ऐसा सियासी मुद्दा है जो हर सरकार में छाया रहता है। सरकार चाहे किसी की भी हो, लेकिन जब विपक्ष में होते हैं तो अपराध राजनीतिक दलों को याद आता है और जो सत्ता के सिंहासन पर बैठ जाते हैं तो पुलिस की तत्परता ध्यान आती है। सवाल यह उठता है, क्या प्रदेश में पुलिस के रवैये पर सवाल नहीं उठना चाहिए? आए दिन थानों में आमजन के प्रति जैसा रवैया रहता है वह प्रदेश के नेताओं को भी ध्यान नहीं आता, लेकिन जब मीडिया ट्रायल होता है तो बहती गंगा में नेता भी हाथ धोने से नहीं चूकते। अजमेर रोड स्थित अपहरण मामले में दूसरा सवाल यह भी है कि किरायेदारों की पुलिस जांच क्यों नहीं हुई? सरकार को घरेलू नौकर और किरायेदारों के मामले में पुलिस वेरिफिकेशन के आदेश को सख्ती से लागू करना चाहिए, शायद ऐसे मामलों में कुछ हद तक लगाम लग सके, अन्यथा सियासत होती रहेगी, अपराध बढ़ते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। नमस्कार जनटी, में स्वागत है आपका, मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात कर रहे हैं, अपने मजमून देखा, प्रदेश की आपराधिक घटनाओं को लेकर सड़क पे यानी कि बाहर तो चर्चा होती है, अब हाउस में भी ये मामला गूंजा। प्रतिपक्ष की ओर से इस मामले को उठाया गया और कहा गया कि राजधानी जयपुर सहित प्रदेश में सभी जगह हालात बेकाबू हैं, सरकार कैसा ऐसा होता है कि है ही नहीं। चलिए इसी मुद्दे को लेकर के हम चर्चा करेंगे। 3 मुद्दे प्रतिपक्ष ने बड़े रूप से उठाए, जिसमें नेमीचंद जिनकी मौत कस्टडी में हुई और एक उनकी भाभी के साथ दुराचार का मामला जिसकी अभी जांच जारी है, साथ ही एक हेड कांस्टेबल जिनकी हमला करने के बाद हॉस्पिटल में मौत हुई जो भीम का मामला है राजसमंद के, और एक रविवार को ही जयपुर में अपहरणकर्ताओं से 4 लोगों को मुक्त कराया, 3 ऐसे लोग जिनको काफी लंबे समय से अपहरणकर्ताओं ने अपने कब्जे में ले रखा था, एक ऐसे युवक को जो दोस्तों के साथ खाना खाने जा रहे थे और आपस में कहा सुनी हुई, उनमें से भी एक का अपहरण कर लिया। खैर चलिए, मुद्दा यह है कि सियासी पारा तो चढ़ता रहेगा और पहली बार नहीं है, जब कांग्रेस प्रतिपक्ष में थी तो भी यही स्थिति थी और आज बीजेपी प्रतिपक्ष में है तो भी स्थिति ऐसी ही है, चेहरे बदलते हैं, मुद्दे वही रहते हैं, सियासी पारा वैसा ही रहता है जैसे अभी आप और हम गर्मी झेल रहे हैं। तो चलिए इसी मुद्दे को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ राजस्थान पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी
योगेंद्र जोशी साहब हमारे साथ में हैं, उपेंद्र सिंह राजपुरोहित जी हमारे साथ हैं विश्लेषक के रूप में, खेमचंद जी भाजपा नेता हमारे साथ में हैं, सभी का स्वागत है। जोशी साहब आपके पास आना चाहूंगा मैं सबसे पहले। घटनाएं जो घटित हो रही हैं, मैं वर्षों से देखता आ रहा हूं कि चेहरे बदलते हैं सत्ता में, जब प्रतिपक्ष में होते हैं तो बड़ी जबरदस्त तरीके से इस बात की पैरवी की जाती है कि हालात बेकाबू हैं, लेकिन जैसे सत्ता में बैठते हैं तो ये सब चीजें गौण हो जाती हैं और कहा यह जाता है कि लगाम है या अपना कोई भी रास्ता उसमें से निकाला जाता है। यह पहली बार नहीं है, ऐसा हर बार होता है, लेकिन क्या वास्तव में इस सियासत से कुछ एक्शन प्लान में कोई तब्दीली आती है? योगेंद्र जी, ये जितनी घटनाएं हैं ये सब्जेक्ट वाइज अलग अलग है सब। जैसे थाने में हत्या का मामला है, हेड कांस्टेबल के साथ मारपीट का है, रविवार को यहाँ जो अपराधी पकड़े गए हैं उनसे संबंधित मामला है। देखिए, ये सरकार कोई भी हो, चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, जब ये पकड़ लेते हैं या सफल हो जाते हैं तो पीठ थपथपाते हैं, और यही लोग जब विपक्ष में होते हैं तो आलोचना करते हैं। ये परिपाटी आज से नहीं, बरसों से चली आ रही है, और ये बरसों का मतलब मैं बता रहा हूं 10-15 साल बाद से। अगर देखा जाए तो ये घटनाएं प्रत्येक पार्टी के राज में होती हैं, किसी के यहां कम हो जाती है, किसी के यहां ज्यादा हो जाती है, तो ये पार्टी से संबंधित नहीं है इसका कुछ भी, या पार्टी में जो नेता आ गए हैं उसकी वजह से ये कोई अपराधी पकड़ लेंगे या इसकी वजह से कोई अपराध बढ़ गए या कम हो गए, ऐसा नहीं है। ये होता है राजनीतिक इच्छा शक्ति, जिस पार्टी की राजनीतिक इच्छा शक्ति मजबूत होती है उस पार्टी के इलाके में, उस पार्टी के राज्य में अपराधों का ग्राफ कम हो जाता है, वो अपराधियों को संरक्षण देना कम कर देती है, वो अधिकारियों को सिफारिश से पोस्टिंग करना बंद कर देती है, वो अधिकारियों के ऊपर कंट्रोल करती है। अब आप देख लो कि बजरी के मामले में पूरा राजस्थान पुलिस, जैसा देखते हैं अखबार में आता है कि पूरे राजस्थान पुलिस के थाने बजरी के काम में लगे पड़े हैं। आज आया एक थाने, एक नए जगह कहीं चूरू या कहीं एक अधिकारी ट्रांसफर होकर गए, तो थाने में वो डांट फटकार कर रहे हैं कि ऐसा कुछ देख लिया तो ठीक नहीं होगा। ये क्या चीज है? ये वो है, जब राजनीतिक इच्छा शक्ति मजबूत है तो ये चीज प्रदर्शित होने लग जाती है, और जैसे ही राजनेता आपस में लड़ने झगड़ने और नेतागिरी करने में लग जाते हैं तो ये समझिए कि जितने कर्मचारी होते हैं जो सत्ता को चलाते हैं वो सब फ्री हो जाते हैं और वो अपने आदान प्रदान में लग जाते हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा जयपुर के परिप्रेक्ष्य में कि जो परसों घटना घटी है, आप देखिए कि जब से दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जयपुर से जुड़ा है, ये NCR में जब से शामिल हो गया इसका आखिरी हिस्सा, तब से दिल्ली रोड पर मनोहरपुरा के आगे आगे जाके देखें तो जहां पर हरियाणा हमारे अंदर राज्य में घुसता है वहां रात को 12-1 बजे के बाद गाड़ियां लेकर के नहीं निकल सकते। आज भी गाड़ियां रोक के लूट ले जाते हैं और उन गाड़ियों को हरियाणा और उत्तर प्रदेश में ले जाएंगे और वहां की पुलिस अपने यहां के लोगों की कोई मदद नहीं करती। अब आप देख लीजिए हरियाणा के ये अपराधी जो वहां से लोगों को ला करके यहां पर टॉर्चर करते हैं और पैसा वसूल करने में लगे पड़े हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जयपुर का इलाका बहुत बड़ा है, यहां के कमिश्नरेट में या यहां की पुलिस में संख्या कम है, संख्या बल जब तक कि दुगना या तिगना नहीं होगा जब तक ये अपराध नहीं रुकेंगे। आप देखें कि पूरे जयपुर शहर के आसपास ढाणी ढाणी गांव गांव बिल्डिंगें खड़ी हो रही हैं और जिनमें 600-700-700 फ्लैट्स तैयार हो गए हैं, उन फ्लैट्सों में कुछ रह रहे हैं कुछ नहीं रह रहे हैं, ये अपराधी तत्व के लोग वहां चले जाते हैं। अब जैसा आप देख लीजिए कि ये जो फ्लैट्स की जो एक 660 फ्लैट्स की जो कॉलोनी बनी हुई है उसमें 150 फ्लैट्स में तो लोग रहते हैं, बाकी की स्थिति अखबार में देखने को मिलती है जी। ये पुलिस को कंट्रोल नहीं कर सकती है पुलिस इस तरह से जब तक कि नफरी नहीं होगी। जी हाँ, ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास में, एक बार राजपुरोहित जी के पास में जाना चाहूंगा। उपेंद्र जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। एक आरोप यह लग रहा है पुलिस पर कि बदमाशों की ऐसगाह बन गया है जयपुर। सर ऐसा नहीं है, पुलिस
प्रशासन के अंदर निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ खामियां हैं, कहीं कुछ पुलिस के कर्मचारी जो निचले तबके थाने लेवल पर हैं या पुलिस चौकी पर हैं, वो जरूर कहीं ना कहीं अपराधियों के साथ कहीं साठगांठ में है। इसका मतलब ये नहीं कि पुलिस पूरी तरह से बिकी हुई है। कुछ लोगों के कारण पुलिस प्रशासन बार बार आरोपित हुई है, लेकिन यदि हम इसका दूसरा पक्ष देखें तो पुलिस ने बहुत अच्छे काम भी किए हैं। अभी हम बात करें जगन गुर्जर की गिरफ्तारी का है, या आनंदपाल प्रकरण था, या इसके अलावा और भी बहुत सारी हम घटनाएं अगर बैक में जाएंगे तो आपको देखने मिलेगी कि पुलिस ने, जैसे कल का जयपुर का घटनाक्रम एक बहुत बड़ा उन्होंने एक ऑपरेशन पूरा किया जिसमें अपराधियों को पकड़ा है जो अपहरण करके लोगों को एक जगह इकट्ठा करके रख रहे थे, उनसे वसूली कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं पुलिस की भूमिका समाज के अंदर रहती है, लेकिन जब तक समाज के अंदर रहने वाले आम लोगों की पुलिस के साथ बराबर की भागीदारी नहीं होगी तब तक अपराध पर अंकुश लगना पूरी तरह से संभव नहीं होगा। चलिए खेमचंद जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। जी जी योगेंद्र जी, जी। जिस प्रकार से श्याम सुंदर जी ने बहुत अच्छी बात कही कि सरकार कोई भी सरकार की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है कि वो सरकार किस प्रकार से चलेगी। सरकार की इच्छा शक्ति का परिणाम हम जो देखते हैं अभी वर्तमान में, कांग्रेस की सरकार ने लोकसभा चुनाव में अपने राजनीतिक फायदे के लिए थानागाजी में एक गैंग रेप को इसलिए दबाए रखा कि हमें राजनीतिक फायदा मिल जाए। ये सरकार की इच्छा शक्ति का परिणाम देखने को मिल रहा है। और आज जो राजस्थान में आप प्रत्येक दिन अखबार का पहला पेज देखते ही खोलते ही आपको मिलेगा, आज दो महिलाओं के साथ दुष्कर्म, आज चार बालिकाओं के साथ दुष्कर्म, थाने में दुष्कर्म, कॉलोनी में दुष्कर्म। कहीं ना कहीं अपराध जो है निश्चित तौर पर जब से कांग्रेस की सरकार आई है, सरकार फैले और साबित हो रही है और अपराध बढ़ रहे हैं। खेमचंद जी, मैं बीच में बोलूंगा, मैं आपके पास ही आ रहा हूं। मैं एक बार अपनी बात कर लेने दीजिए खेमचंद। दूसरी बात, अभी आऊंगा आपके पास। जो अभी आपने सरदार साहब चुरू की जो घटना बताई, निश्चित तौर पर बड़ी शर्मनाक घटना है कि थाने पर पुलिस कस्टडी में कोई व्यक्ति मर जाए, ये पुलिस प्रशासन के लिए कितनी बुरी घटना है, सरकार के लिए कितनी बुरी घटना है कि कोई व्यक्ति इस कारण से मर जाए कि पुलिस उसको पीटे और पुलिस कस्टडी में उसकी मौत हो जाए। और उसके बाद जैसा आज प्रतिपक्ष के नेता राजेंद्र राठौड़ जी ने भी विधानसभा में कहा है कि जैसा छह पुलिस कर्मियों के द्वारा उस व्यक्ति की भाभी के साथ जिस प्रकार की दरिंदगी से दुर्घटना कारित की गई है, निश्चित तौर पर पुलिस प्रशासन ही नहीं पूरी सरकार विफलता की ओर है। सरकार के मुख्यमंत्री, सरकार के गृह मंत्री, पूरी सरकार निश्चित तौर पर विफलता के कगार पर है। चले मैं एक बात जानना चाहूंगा मैं, खेमचंद जी आपने एक बात कही कि पुलिस और सरकार दोनों फेल्योर है अगर पुलिस कस्टडी में किसी की डेथ होती है तो। लेकिन राजस्थान में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, आपके गवर्नमेंट के वक्त झुंझुनू में भी ऐसा हो चुका है, सीकर में ऐसा हो चुका है। घटनाएं गुलाब जी को याद भी दिलाए शांति धारीवाल ने कि आप थोड़ा सा बैक में भी जाइए तो ये मत भूलिए कि आपके टाइम पे क्या हुआ था। ये मैं नहीं कह रहा ना सरकार के बारे में, जेल के अंदर जेल में कातिलाना हो रहा है, अपने दायित्व से जेल में कातिलाना हो रहा होता है। शांति धारीवाल जी, शांति धारीवाल से मुक्त नहीं हो सकते अपराधी। आ रहा हूं आपके पास में, आ रहा हूं मैं। राजप्रोय जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं एक बार बीच में। मैं खेमचंद जी की बात को यहाँ पर, मैं किसी पार्टी का पक्ष नहीं ले रहा, मैं यह बात कर रहा हूँ हमें यहाँ पर एक आदर्श समाज की स्थापना के लिए, चाहे वो सरकार बीजेपी की है या कांग्रेस की है, हमें सरकार पर आरोप लगाने से पहले खाली एक तरफी बात न कहें। आप कह रहे हो साहब कांग्रेस गवर्नमेंट आई है तब से राजस्थान में अपराध बढ़े, मैं आपको अपराधों का आंकड़ा बता दूं। पिछली भारतीय जनता पार्टी सरकार के अंदर पर ईयर करीबन 450 रेप की घटनाएं हर साल हुई है। जी हेमचंद तो आप तो कह रहे हैं, हेमचंद जी आप सुनिए, आप सुनिए, आप कह रहे हो कि उस वक्त आज कांग्रेस सरकार के अंदर रैप बढ़े, मुझे इसका जवाब दीजिए। बीकानेर जेल में आनंदपाल पर हमला किसकी सरकार में हुआ था, रतनगढ़ जेल में फायरिंग किसकी सरकार में हुई, सूरतगढ़ जेल से अपराधी किसकी सरकार में फरार हुए? देखिए सरकार में मंत्री को सोचना पड़ेगा, पुलिस प्रशासन को। बजरी की बात चल रही है, बजरी की बात चल रही है। एक बार रुकना, मैं श्याम जी के पास में जाना चाहूंगा।
श्याम जी, हमारा जो मजमून है यही है कि चेहरे बदलते हैं लेकिन सियासी मुद्दा हमेशा अपराध का बना रहा है। जब इधर बैठते हैं तो अपराध ध्यान आता है और जब सत्ता की कुर्सी पर बैठते हैं तो जो अधिकारी रटाते हैं तोते की तरह, हम बोलते वही हैं। हम जनप्रतिनिधि रहते हैं, जनता के बीच से आते हैं, ये सब भूल जाते हैं। चाहे अभी बयान शांति धारीवाल का हो या पहले के गुलाबचंद कटारिया जी का हो, तो ये कहीं स्थितियां बदलेंगे कि सच्चाई से पीछे हटना या वास्तव में ये भरोसा करना कि हाँ चले कुछ चीजों पे भरोसा करना चाहिए। जैसे एक पीड़िता ने कहा कि रेप हुआ उनके साथ में और छह लोगों ने गैंग रेप किया। देखिए योगेंद्र जी, मैं भी आज विधानसभा में मौजूद था क्योंकि प्रदेश के हालात बिगड़ रहे हैं, इसमें दो राय बढ़ रही है, घटनाएं घटनाएं बढ़ रही है, दुर्भाग्यपूर्ण है। सबको ये कहने का अधिकार जब हाउस में होता है तो सरकार होती है तो उसके ऊपर आरोप लगते हैं और सरकार को जवाब देना पड़ता है। सरकार किसी भी कीमत पे अपने आप को बचा नहीं सकती। अब देखिए आज की घटना को लेकर के सुमोटो खुद ने संसदीय कार्य मंत्री, क्योंकि गृह मंत्री मुख्यमंत्री है वो तो आते नहीं है, लेकिन उनके तो बिहाफ पर आज संसदीय कार्य मंत्री ने सदन में तीनों घटनाओं को लेकर के जवाब दिया और जवाब के ऊपर प्रतिपक्ष ने घेरा भी सरकार को, जवाब कहा कि जब उन्होंने स्वीकार भी किया कि आज चूरू के वहां पर थाने में सरदार वाले में घटना हुई है, हिरासत में मौत हुई, दिक्कत है। देखिएगा आप वहां एक बात के ऊपर कि महिला के ऊपर रैप होता है नहीं तो महिला खुद कहती है तो मुकदमा दर्ज हो जाता है, इसमें दो राय। लेकिन क्योंकि भवनलाल शर्मा जब बोल रहे थे कि वो कह रहे थे कि इस तरह की वारदात इतने लोगों के बीच में ये घटना हो गई, ये थोड़ा आश्चर्य प्रश्न खड़े करते हैं। लेकिन क्योंकि अगर महिला कहती है, लेकिन महिला को प्राइवेट अस्पताल में ले जाना, फिर उसको एसएमएस में आना, तो वैसे तो प्राइवेट सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, अगर कोई महिला आरोप लगाती है तो ये जांच का विषय है, एक बार एफआईआर दर्ज उस पर होनी चाहिए। उन्होंने कहा मुकदमा दर्ज हुआ, उन्होंने स्वीकार कर लिया, लेकिन आज उस घटना को लेकर के पुलिस का एसपी और सीआई जब दोनों सभी इन्वॉल्व हो जाए, उसको डीजी तक आना पड़े अपनी शिकायत करने के लिए, तो ये स्थिति ठीक नहीं है। यही तो कह रहे हैं प्रतिपक्ष, और क्या कह रहा है। आप देखिएगा कि जयपुर में कह रहे वाह वाही लूट रहे थे कि हमने, ये देखिएगा कि 24 जून से किराए पे आकर रह रहे हैं और हरियाणा के बदमाश आकर के अपहरण करके यहाँ ला करके टॉर्चर कर रहे हैं, सारी बातें हो रही है, पुलिस को मालूम नहीं पड़ रहा, यही तो कह रहे हैं सारी बातें। एक बात मैं जरूर लेना चाहूंगा और मुझे लगता है कि पुलिस की लापरवाही कहें या जयपुर वाली घटना के अंदर यह बात जरूर है कि जब 24 तारीख से रह रहे थे, अपहरण किया हुआ था तो पता क्यों नहीं लग पाया, यह हो सकता है एक चूक। लेकिन एक तत्परता भी है पुलिस की, 607 फ्लैट्स को खंगाल करके और उनको दबोच लेना। नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूं, इसके आगे एक बात मैं कह रहा हूं, मैं योगेंद्र जोशी जी से जानना चाहूंगा। जोशी साहब, मैं एक बात जानना चाहूंगा, गवर्नमेंट के आदेश हैं और बड़े सख्त आदेश हैं कि घरेलू नौकर और किराएदार का पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए। हमारे यहां पे हाईलाइट कब होते हैं मामले या एक्शन में कब आते हैं कि जब कोई घटना होती है, अगर यही किराएदार जो है, अगर इनका पुलिस वेरिफिकेशन पहले हो चुका होता तो शायद हो सकता है यहां पे रहते नहीं रहते या पकड़े जाते। तो आज तक ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं ये जिसमें किराएदार दोषी होते हैं? मुझे एक अच्छे से ध्यान है, जब आप एसएचओ होंगे कि यहां पे उत्तर प्रदेश के एक बदमाश थे, वो आकर के यहां काफी लंबे समय तक रह रहे और वो जो नोटोरियस कोई सिरोही था बदमाश जिसका एनकाउंटर भी हो गया फिर बाद में भरतपुर में कहीं पे, वो पूरे परिवार के साथ यहां रह रहा और उसकी वाइफ ऐसी आदर्श बहू, उनके बच्चों को पड़ोसी खिलाएं वहां पे, लेकिन पता ही नहीं को इतने दिन से यहां पे रह रहा था। वसुंधरा जी के पहले कार्यकाल की घटना थी ये, दिनेश शर्मा साहब जब एसपी थे। तो ये कहां पब्लिक के और पुलिस के बीच में सामंजस्य नहीं है कि लोग बचना चाहते हैं कि पुलिस के फालतू कार्रवाई में फंसना चाहेंगे? ये आखिर क्यों है? ये इतना आदेश भी है इसके बावजूद नहीं हो पा रहा। देखिए योगेंद्र जी, कि प्रशासन अगर ये सोचता है कि आम नागरिक की ये जिम्मेदारी है, वो किराएदार की सूचना दे, वो बदमाशों की सूचना दे और बदमाश की जिम्मेदारी के पुलिस को जाकर के अपने आप को सरेंडर कर दे, ये तो एक तमाशा है। मेरी ये कहना है कि पुलिस एक्ट में लिखा हुआ है, आरपीआर में लिखे हुए हैं कि पुलिस की जिम्मेदारी है उसके इलाके की सुरक्षा रखना और वो जानकारी रखे कि उसके इलाके में सम्रांत नागरिक कौन है और बदमाश कौन है। ये नागरिकों की जिम्मेदारी नहीं है। आज मैं जिस फ्लैट में, जिस कॉलोनी में रहता हूं,
तो थाने वालों को पता होना चाहिए कि मैं किस नंबर फ्लैट पे कहां पर रहता हूं, मैं क्या करता हूं, मैं कहां जाता हूं, कहां आता हूं। ये जिम्मेदारी पुलिस की है, ये जिम्मेदारी मेरी है कि मैं जाऊं कि साहब मेरे यहां किराएदार रखा है, लो साहब इसका नाम पता बोल दे, सकूनत ले लो, वो फार्म लेके रख लेते हैं ठप्पा लगा के, हो गया साहब अब आप जाओ। ये कोई कौन सा तरीका है? और ये इसी तरीके की वजह से जयपुर के अंदर ये बड़े बड़े बदमाश आके ठहर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं योगेंद्र जी, ये तो ठीक है कि वो कार वाले कार वालों को उन्होंने पकड़ लिया, इन्होंने तो छोटी सी घटना समझी थी इसको, इसलिए एक है एक सिपाही ड्राइवर चला गया, अगर ऐसा पता होता तो वो जाता ही नहीं। मैं ये कह रहा हूं आपको कि वरना गाड़ी को उठा लिया उन्होंने, तीन को फेंक गए, तीन महापुरा में जाके मिले रामों के ढाबे पर, और फिर वो जाकर के आगे जब गए हैं तो जो सिटी है ये ओमेक्स सिटी क्या है वहां पर वो मिल गया चौथा आदमी, तब जाकर के इस बात का खुलासा हुआ, नहीं तो खुलासा ही नहीं होता। मेरा ये कहना है कि इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, जयपुर डेवलप हो गया है, लेकिन पुलिस की संख्या उतनी की उतनी है, पुलिस के पास साधन नहीं है। अब आप जाइए वो भांगरोटा जो थाना है क्या जहां पर ये घटना घटी है, उस थाने के अंदर एक जीप है, आप बताइए, और वो भी पुरानी जीप है, वो एएसआई लेके चला जाए तो इन चार साहब किससे आए। मेरा ये कहना है आज आपके टीवी के माध्यम से कि ये तो गनीमत है कि चलो वो बदमाशों ने बदमाशी नहीं की, उन्होंने भीड़ भाड़ देख ली, पुलिस देख ली, सरेंडर हो गए। अगर यही मसला कोई ऐसा होता जिसमें एक साथ इकट्ठे होते हुए होते या हथियार उनके पास भारी होते तो वो कोई आप लोगों को हाथ लगाने देते? वो बिल्कुल नहीं होते, लेकिन चूंकि वो अलग अलग थे, कोई तो कोई पकड़ के ले गया, किसी ने क्या पकड़ रखा, दो ऊपर छुप गए, दो वहां छुप गए। इसको मैं इतना गंभीर नहीं मान रहा हूं जितना आप लोग इसको गंभीर मान रहे हैं। ऐसी घटनाएं मैंने भी देखी है और आगे होती आप भी देखेंगे। मेरा कहने का तात्पर्य यह है आपके टीवी चैनल के माध्यम से कि बीट प्रणाली को जयपुर में लागू करें और हर एक बीट के अंदर दो कांस्टेबल रखें जो अपनी डायरी को मेंटेन करें। उस डायरी के पन्ने पर आरपीआर के माध्यम से सब चीजें अंकित हैं और उनको वो अंकित करनी चाहिए। उस डायरी को कंप्लीट रखें और जिस कांस्टेबल के इलाके में इस प्रकार के अपराधी ठहरते हैं और पकड़े जाते हैं उस कांस्टेबल को सबसे पहले सजा दीजिए। मैं एक बार जानना चाहता हूं लेकिन जोशी साहब यहां पे कि चले नफरी अभी कम है, हो सकता 20 साल पहले रही होगी, लेकिन घटनाक्रम हमारे यहां पे किडनैप की बात हो चाहे दूसरे घटनाएं हो, आपको एक ध्यान होगा ये तो चले किडनैपर थे, हमारे यहां तो आतंकवादी आकर के ठहर गए। बिल्कुल आए थे आतंकवादी ठहरे, और आतंकवादी अगर उसको भारी भरकम नोट नहीं देते दूध वाले को तो शायद उसका खुलासा नहीं होता। तो हाँ उसी की मैं बात कर रहा हूँ, उसी की बात कर रहा हूँ। तो ये तो लंबे समय से सिलसिला चल रहा है, तो इसको क्या कहें, पुलिस का फेलियर माने कि या ये भी कहा जाता है कि भाई पुलिस ब्रह्मा जी नहीं है कि हर जगह का जानकारी, ये सिस्टम कैसे दुरुस्त हो सकता है? नहीं 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 नहीं, पुलिस का फेलियर नहीं, ये तो तमाम जो हमारे यहाँ जो सिस्टम बना हुआ है ना, नीचे से ऊपर तक अफसर ज्यादा हो गए कर्मचारी, नीचे से ऊपर तक का जो सिस्टम बना हुआ है उस सिस्टम का फेलियर है। आप देखिए कांस्टेबल कम, 5000 कांस्टेबल तो जयपुर में ही नेताओं के या किसी अधिकारियों के या फूके हुए अधिकारियों के लगे हुए हैं, उन 5000 को तोड़ करके आप इनको तो दो, अभी देखो जयपुर में पुलिस ही पुलिस हो जाती है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि ऊपर के पदों को बढ़ाने की बजाय नीचे के पदों को बढ़ाइए, ट्रेनिंग सिस्टम को चेंज कीजिए। मैं बार बार कहूंगा कि ये जो सिस्टम है, ये जो सिस्टम है पुलिस के कांस्टेबल ट्रेनिंग बाहर कर रहे हैं ही नहीं, नहीं नहीं बाहर जाते तो ना वहाँ हार्ट अटैक हो जाता है क्योंकि वो इस काबिल नहीं होते, जाकर के वहाँ को बिहार में कहीं चले गए थे तो सिपाही बीमार हो गए, दो तो खत्म ही हो गए। मेरा चलो मैं आ रहा हूँ आप लोगों के पास, छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा, ब्रेक के बाद वापस लौट रहा हूँ। देखते बार एक बार फिर आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं खास खबर, बात कर रहे हैं राजस्थान के आपराधिक घटनाओं की। मैं जोशी साहब आपके पास में था, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि देखिए कमियां कहीं भी निकाली जा सकती हैं, लेकिन हम बहस में ये चाहते हैं जैसे आपने कहा कि ट्रेनिंग का रूट बदला जाना चाहिए, कुछ ऐसी चीजें हैं जो वास्तव में दिखाई दे सके। आप ये भी मान रहे हैं कि पुलिस बहुत कम है, कैसे संभव है, और आप ये भी कह रहे हैं कि
पुलिस के थाने में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि कौन व्यक्ति कहां रह रहा है। तो ये दोनों चीजें कैसे होंगी जब स्टाफ नहीं होगा और हम हमारी अपेक्षाएं भी ये हैं। मैं वही आपको बताना चाह रहा हूं कि बीट प्रणाली अपने यहाँ लागू है, सिपाहियों को बीट की डायरी दी हुई है, मोहल्ले के अंदर बोर्ड लगे हुए हैं, बोर्ड लगे हुए हैं। कांस्टेबल पहले डीजी थे गिल साहब, तो उन्होंने कहा था प्रत्येक थाने के इलाके में बोर्ड लगाओ और जैसे अधिकारी कांस्टेबल चेंज होता है तो उसका नाम बदलो और नंबर लगाओ। अब आज 10 साल पहले के अभी तक नंबर वही लिखे हुए हैं, किसी ने उनको बदला नहीं। और अपराधियों में भय और समाज में सुरक्षा, ये इस तरह के डायलॉग बाजी ये करते रहे हैं लोग। और पहले पूनिया साहब हुए थे जिन्होंने एक डिब्बा लटका दिया था भाई पुलिस के खिलाफ शिकायत पेटी का, ये चीज है मैंने मेरे 35 साल की नौकरी में देखी। और ये सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ बनाने के अलावा इसमें और कोई चारा नहीं, ये इसके अलावा और कोई काम नहीं करते। मेरा तो अब ये सबसे बड़ा ये है कि इस प्रकार के अपराधी जो जयपुर में आके रह जाते हैं, ये बिल्कुल अपराधियों के लिए सुरक्षित जगह है, यहाँ कोई छेड़खानी नहीं होती, बड़े बड़े मॉल खाली पड़े हुए हैं, बिल्डिंगें खाली पड़ी हुई है, लोगों की आवाजाही है, शरीफ बन के आते हैं। और एक सबसे बड़ी बात है प्रॉपर्टी डीलरों की भरमार है, जिसका सरकार के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, वो एक जगह से दूसरे को, दूसरी जगह से तीसरे को प्रॉपर्टी एक दूसरे को इधर से उधर किराए पे देते रहते हैं। और एक आदमी आकर रह जाता है, उसकी कोई जानकारी पुलिस को नहीं होती, मकान मालिक कहीं और जगह रहता है, प्रॉपर्टी डीलर किराए पे उठा देता है, किराएदार वो मकान मालिक सीधा किराए अकाउंट से उठा रहा है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जब ऐसी स्थिति हमारे सामने अब आ रही है और रोज हम देख रहे हैं, तो फिर चुप रहना ठीक नहीं है। हमें इसके ऊपर इन हमारे जो राजकीय नेता हैं इनको ये बताना जरूरी है कि देखिए अब आप सचेत हो जाइए, अन्यथा जिस प्रकार से अपराध बढ़ रहे हैं और अपराधी जयपुर में आ रहे हैं, जयपुर की फिजा बदल देंगे, जयपुर का रहन सहन बदल देंगे, जयपुर की आब हवा बदल देंगे। आप देखिए 660 प्लेटों में से 150 परिवारों के वहां पर कैसी स्थिति थी कल, और आप देखिए एक बच्चे की तो बर्थडे थी, वो बच्चा उन सिपाहियों को घर में से ठंडा पानी और मिठाई ला करके दे रहा है कि बर्थडे तो जाने दो, आप अपराधियों को पकड़ो पहले। आप देखिए पब्लिक कितना साथ देती है, वहां नारे लगाए गए पुलिस के फेवर में कि अपराधियों को पकड़िए, पुलिस की वाई वाई करी। मैं कह रहा हूं जब पब्लिक इतना साथ देती है तो हमारे राजनेताओं को, हमारी सरकार को इन अपराधियों को पकड़ने के तरीके इजाद करने चाहिए। पब्लिक से कैसे सहयोग लें, उसके लेने का तरीका यह है कि जब तक थाना अधिकारी और संबंधित जाप्ता इलाके में नहीं घूमेगा, लोगों से संपर्क नहीं बनाएगा, तब तक अपराधियों की जानकारी उनको नहीं होगी। मैं राजा पार्क इलाके में जब मैं आदर्श नगर का एसएचओ था, प्रत्येक दुकानदार मुझे आज भी जानता, उस समय भी जानता था, लेकिन आज मैं ये नहीं जानता हूं कि आदर्श नगर का इंचार्ज कौन है। वो इलाके में आए, लोगों से मिले, बातचीत करे, तब ये जब चीजें होगी। मैं एक बार पहले खेमचंद जी के पास जाना चाहूंगा। खेमचंद जी, मैं थोड़ा सा यहाँ पे कानून की वो जानना चाहूंगा। ये कहा जा रहा है खासकर नेमीचंद केस में कि एफआईआर में विलंब हुआ, एफआईआर दर्ज नहीं हुई, लेकिन सरकार का ये कहना है कि एफआईआर देने ही नहीं आई, उनके जो साथ में लोग लग रहे थे सीधे डीजी के पास में लेकर के गए, एसपी को हमने एपीओ कर दिया, एसएचओ को सस्पेंड कर दिया, जो भी वो कार्रवाई की होगी। यहां अगर कोई भी व्यक्ति थाने में जाती है, आधार क्या है उसका कि मुकदमा दर्ज होना चाहिए या पहले जांच करते हैं, क्या कानून क्या कहता है? कानूनी विषय की हम यदि बात करते हैं, इस विषय को कानूनी दृष्टि से देखते हैं, तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने और उच्च न्यायालय ने कई अपने निर्णयों में आदेश दे रखा है कि यदि ऐसी कोई घटना है तो पीड़ित की एफआईआर करनी चाहिए। एफआईआर होने के बाद आप उसमें 202 की जांच भी कर सकते हो और जांच के बाद एफआईआर कर सकते हो या डायरेक्ट भी आप एफआईआर कर सकते हो। यदि उसके थाने पर एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है तो विक्टिम एसपी के पास जाता है, और जब एसपी भी ऐसे नालायक निकल जाते हैं जैसे चूरू में घटना हुई, तो वो डीजीपी के या अपर पुलिस अधिकारियों के पास जाना उसकी मजबूरी होती है, या फिर वो न्यायालय की शरण ले, न्यायालय में 156(3) में इस्तगासा के माध्यम से वो भिजवाए। पर हर कोई व्यक्ति न्यायालय की शरण लेना, क्योंकि न्यायालय में जाएगा वकील भी करना पड़ेगा, खर्चा भी होगा, बहुत सारी चीजें मायने रखती है, इस कारण से न्यायालय में नहीं जाकर विक्टिम चाहता है कि पुलिस के मार्फत वो एफआईआर दर्ज हो, पहली बात। दूसरी बात, ये जो घटना हुई है चूरू की जो घटना है, निश्चित तौर पर पूरे प्रदेश के लिए
एक गंभीर घटना है, सरकार की फेलोरिटी साबित हो रही है, पुलिस प्रशासन की फेलोरिटी साबित हो रही है। और मैं तो ये कहता हूँ, आप तो यह देखिए राजस्थान का दुर्भाग्य देखिए, बजरी मामले में एक डिप्टी साहब एसपी साहब पे आरोप लगा रहे हैं कि साहब एसपी साहब की सह से ये कार्य हो रहा है, एसपी साहब कह रहे हैं कि डिप्टी की सह से ये कार्य हो रहा है, और राजस्थान पुलिस के डीजीपी स्वीकार कर लेते कि राजस्थान में बजरी का बड़ा घोटाला है। तो आखिर कर क्या रही है राजस्थान का प्रशासन भाई, राजस्थान की पुलिस क्या कर रही है भाई, राजस्थान की सरकार क्या कर रही है, राजस्थान के गृहमंत्री क्या कर रहे हैं? क्या केवल और केवल कांग्रेस की सरकार राहुल गांधी जी को मनाने में लगी हुई है? राहुल गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहे इसलिए दिल्ली के दौरे कर रही है? सरकार को, मुख्यमंत्री को, गृहमंत्री को प्रदेश की जनता की सुरक्षा की चिंता करनी पड़ेगी, अन्यथा जनता जवाब देना जानती है। अब वो जमाना नहीं रहा जब आप जनता को मूर्ख बनाकर वोट ले लो, जब आप जनता के बिना काम किए भी जनता को प्रसन्न कर लो। आज की जनता बहुत समझदार है, निश्चित तौर पर प्रदेश की सरकार, प्रदेश का मुख्यमंत्री, प्रदेश का गृहमंत्री फेलोर साबित हो रहे। राजप्रय जी आपके पास मैं एक बढ़ाना चाहूंगा, मैं जानना चाह रहा हूं, जोशी साहब ने भी कहा कि बीट मजबूत होनी चाहिए, इंट्रैक्शन हो पब्लिक का, कैसे भी चाहिए आप उसको मार्स मत समझिए, लोगों से मिलना जुलना होना चाहिए। जैसे ध्यान है जब ये इन्होंने शायद हो सकता है जोशी साहब ने साथ में काम भी किया होगा, एक पहले टीम वर्क था, जब अजीत सिंह जी यहाँ पे डीआईजी हुआ करते थे या कमिश्नर बने बीएल सोनी, तो पूरी जवानों के साथ तो निकलते थे, बुजुर्गों से अलो सलो, थोड़ा सा लगता था कि अफलातून है तो उसको कह भी लेते थे क्या कर रहे हो यहाँ पे। ये मुझे लगता है थोड़ा ट्रेंड बदल रहा है पुलिस का, ट्रैक बदलेगा। जैसे अभी एक बार बात निकल के आई थी कि सरकार की इच्छा शक्ति का बड़ा इस पर प्रभाव पड़ता है, अभी कहीं लगता है आपको कि सरकार बदली लेकिन इच्छा शक्ति वैसी प्रभावी नहीं दिखाई दे रही है जैसी पहले थी, या पहले अपराध कम थे अब अचानक बढ़ते जा रहे हैं? योगेंद्र जी ऐसा नहीं है, अपराध पहले भी उतने ही थे जितने आज है। आपकी सरकार में, फिर मैं पार्टी की बात नहीं करूंगा, खान घोटाला आपकी बीजेपी सरकार में हुआ था, आनंदपाल प्रकरण, दारिया प्रकरण, ये सारे आपकी सरकार में हुए, इसलिए मैं बात सरकार की नहीं करूँ, बात मुद्दे पे चले, हम बात कर रहे हैं व्यवस्था के अंदर किस प्रकार से और बेहतर परिणाम लाने के लिए परिवर्तन किए जाए। बिल्कुल मैं योगेंद्र जी की बात से सहमत हूं, आपने जो सुझाव दिया सामाजिकता का डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है, प्रशासन में कहो पुलिस ही नहीं पूरे प्रशासन के साथ आम जनता के बीच में सामाजिकता डेवलप की जानी चाहिए। जब तक सामाजिकता डेवलप नहीं होगी तब तक प्रशासन के अंदर एक एक जो मैसेज जाना चाहिए आम जनता के बीच में प्रशासन की कार्यप्रणाली का, वो नहीं जा पाएगा। जब तक मैसेज नहीं जाएगा तब तक इसी प्रकार के आरोप प्रत्यारोप प्रशासन की विभिन्न इकाइयों पर लगते रहेंगे, चाहे वो पुलिस विभाग है या प्रशासनिक अमले है या दूसरे मेडिकल का महकमा है या कोई भी दूसरे डिपार्टमेंट है। तो निश्चित रूप से या बीट प्रणाली के माध्यम से पुलिस और जनता के बीच में सामाजिकता का विकास होना, उसके मॉनिटरिंग प्रॉपर होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि पुलिस के प्रति आम जनता में से कुछ को छोड़ दें तो एक अलग ही नजरिया है, पुलिस को भी कहीं ना कहीं आम नागरिक अपराध का एक बहुत बड़ा सरगम मानता है, इससे मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं। लेकिन ऐसा इसलिए हो पा रहा है कि पुलिस और जनता के बीच में गैप है, उस गैप को यदि खत्म किया जाए तो निश्चित रूप से अपराध पर योगेंद्र जी अंकुश लगेगा जी 100%। श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा, देखिए पुलिस हमारे यहाँ सिस्टम से बनी हुई है, बाकायदा संवैधानिक सिस्टम से बनाई गई है, लेकिन नफरी कम है या व्यवस्था कम है, क्या वास्तव में ये सब कुछ कहकर के किसी घटनाक्रम में सामने जो को पीड़ित होता है या उसका एक भय होता है, ये सब वाक्य जो देखते हैं हम क्या सफिशियंट है? देखिए योगेंद्र जी, अभी मैं जोशी जी की बात सुन रहा था, आप बताइए कि हमारे राज्य में पहले एक आईजी हुआ करता था पूरे, बिल्कुल बिल्कुल, उसके और कोई था, आज 39 एडीजी है, बताओ 39 एडीजी के साथ 39 एडीजी है, मैं बता रहा हूँ आपको, और उनके साथ एक एक के साथ 20 का स्टाफ है, कोई काम नहीं करता, बैठे रहते हैं आराम से, आप देखिए पुलिस मुख्यालय में जाके देखेंगे स्थिति बड़ी हुई है, चाय पी करके दिन भर उनको काम दाम नहीं है, अब उनको कह रहे हैं कि फील्ड में लगाओ आईजी लगाओ, और नहीं, नहीं सर एडीजी 39 है, प्रमोट साहब मैं बता रहा हूँ, आप पहले 29 कोई
एडीजी बता रहे हैं नहीं 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 सर नहीं है नहीं है आप लगा लेना मैं कह रहा हूँ आपको आईजी हो सकते हैं सर आईजी तो और भी ज्यादा है पहले 31 थे मैं 29 तो पहले जब जब ACS बनने लगे तो उन्होंने ADG बढ़ा दिए पोस्ट कैडेट पोस्ट नहीं है नॉन कैडेट पोस्ट बनी हुई इतनी सारी आप मालूम कर रहे हैं 31 करीब ADG है राजस्थान में आप IG की तो पता ही नहीं कितने नंबर है ये स्थिति बड़ी है और DIG तो फिर अब उनको कहाँ लगाया जाए ये समस्या पैदा होगी सरकार के सामने अब देखिए पहले आप सेक्रेटरी होते थे खाली आज क्या है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कितने 23 आप देखिए सही आप कहते हैं ही नहीं पहले एक होता था तो ये पदे इतने बढ़ गए हैं और इतने आप देखिए पुलिस का काम सुरक्षा व्यवस्था का नहीं है अब आप देखिए पुलिस तो जी हजूरी में लग जाती है नेताओं की आप प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम है कहीं क्या है पूरी पुलिस लगी हुई है थाने का कोई मतलब नहीं कि मुख्यमंत्री जी गुजरेंगे उनकी सुरक्षा व्यवस्था करनी आपने आपने यहाँ नीचे देखते हैं कि इधर उधर दोनों तरफ लगा के आखिर उनका हो क्या रहा है मैं तो आज गुलाब चंद कटारिया भी कह रहे थे कि मैं गृह मंत्री था लेकिन मेरे ऊपर तो ऊपर और भी थे ना स्थिति खराब थी यहाँ मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर चुके हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में योगेंद्र जी आप खुद थे कि मैंने डीजी को कह दिया है खुले हैंड करिए काम भाई आप तो समीक्षा करने गए थे डीजी को खुला हैंड क्यों कर रहे हो आप कहिएगा कि मैं आप उनको तय कीजिए कि ये चीज नहीं होगी तो मैं कार्रवाई करूंगा सीधे तौर पे खुली हैंड SOG को दे दिया उसको दे दिया परिणाम क्या है रोजाना घटनाएं बढ़ रही है आज देखिए चैलेंज किया ना कटारिन साहब का 36% अपराध बढ़े महिलाओं के तो फिर उन्होंने कह दिया 47% तो ये सारी चीजें हाउस में कही जा रही है आप स्वीकार करो कल मुख्यमंत्री जी को जवाब देना है बताइएगा कि आपके पास नफरी नहीं है संख्या बढ़ गई है जनसंख्या बढ़ी है नफरी घटी है साधन है ही नहीं पहले पूर्व आपके जो MP थे जोशी जी ने दिया था अपने फंड से 100 गाड़ियां दी थी दीजिएगा इनको साधन दीजिएगा इनको कामयाब बनाइएगा और इनको जी हजूरी से हटा करके साइड लाइन में लीजिएगा इनको कारोबारी धंधे से देखिए जहां बजरी का धंधा हो रहा है पुलिस अधिकारी कह रहे हैं ईमानदार अधिकारी भी भ्रष्ट हो गए ये मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया है उसमें इससे ज्यादा बड़ी विडंबना क्या हो सकती है आप कार्रवाई करने की सक्षम नहीं क्योंकि बजरी माफिया इतना बड़ा हो गया इतना पैसा हो गया 25,000 का ट्रक अगर 75,000 में बिक रहा है 50,000 रुपए एक ट्रक में मिल रहे हैं लेकिन श्याम जी मैं एक बात कहना चाहूंगा याद है कि इच्छा शक्ति की बात होती है ऐसा नहीं है कि पुलिस चाहे इसी नफरी के अंदर और किसी बदमाश या कोई गैंग है या कोई इस तरह का अपराधी कॉकस बना है जिसे तोड़ नहीं सकती ऐसा बिल्कुल भी नहीं है इसमें से आप 100 कांस्टेबल या अधिकारी कम कर दीजिए तो भी आप तोड़ सकती है एक खाकी का जो वजूद कहीं पे होता है आज भी बहुत ताकत है उसकी ऐसा नहीं है हम सब में बहुत अच्छे जान लेकिन मैंने कहा ना कि इच्छा शक्ति आपका वो दृढ़ निश्चय तभी दिखना चाहिए एक सेटिंग के तरह नहीं आप देखिएगा कि अगर अपराधी ये कहें कि थाने में जो पीड़ित है उससे ज्यादा तो हमारी चलती है जैसे अभी कहा कि CCTV फुटेज 2 साल तक का रिकॉर्ड खंगाला जा सकता है कोई भी उसको देख सकता है और उसे खत्म नहीं किया जाएगा वजह साफ है कि लगातार शिकायतें मिल रही थी कि स्ट्रीट सीटर के साथ में व्यवहार थानों में कैसा हो रहा है और एक आम आदमी जा रहा है उसको किस तरह से धुपकारा जा रहा है वो तो आपने मुख्यमंत्री जी ने अच्छा निर्णय किया कि हर थाने नहीं में पर ऐसा नहीं है कि चाहे वो बजरी माफिया हो चाहे वो शराब माफिया हो अगर पुलिस की इच्छा शक्ति हो प्रशासन की इच्छा शक्ति हो तो कुछ भी तोड़ा जा सकता है ऐसा नहीं जो मुख्यमंत्री जी का इस बजट में जो प्रावधान किया है कि 2 साल में हर थाने पर CCTV कैमरे लगेंगे और एक स्वागत कक्ष बनेगा ये शोभा एक स्वागत योग्य कदम है कि आप बना के देंगे तो पुलिस खुद तो सुधरेगी पहले देखिएगा लेकिन अब कैमरे चलने भी चाहिए अब चलने चाहिए उसका आप अगर लगाएंगे तो फिर मालूम पड़ेगा कैमरा कब से कब तक चला वो तो मशीन है वो तो बता देगी 3 दिन बन रहा है 5 दिन बन रहा तो ये सारे भी सिस्टम को सुधारने के लिए निश्चित रूप से आपको पैसा देना पड़ेगा पुलिस को और पुलिस को तनख्वाहों पर जितना पैसा खर्च हो रहा है उनके संसाधन पर तो 10% पैसा खर्च नहीं हो रहा उनके हाउस नहीं है आप देखिए जिस स्थिति में पुलिस काम कर रही है उसमें आपको सुविधाएं तो उनको देनी पड़ेगी कर्मचारी को आप सबको तो दे रहे हो छुट्टियां उनको वीकली छुट्टी नहीं आप देखिए उस प्रणाली को सुधारने के लिए उस व्यक्ति को 24 घंटे काम करा करके अगर वीकली मानवता के नाते इसको ध्यान दिया जाना चाहिए तो आपको सुधार चलो मैं आऊंगा वापस जोशी साहब के पास जाना चाहूंगा जोशी साहब एक CLG का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पे आया था क्या इससे कुछ आपस में सामंजस्य बैठाने के लिए शायद आया होगा आप लोगों ने मीटिंग ली होंगी
सीएलजी का कॉन्सेप्ट से इस तरह की चीजें हो सकती हैं, एटलीस्ट मोहल्ले की जानकारी मिल सके, किराएदार के लिए लोग कह सकें कि भाई आपके यहाँ कोई किराएदार है, घरेलू नौकर है, तो उसका वेरिफिकेशन होना चाहिए, कुछ सीएलजी से कुछ फायदा होगा? योगेंद्र जी, सीएलजी से कोई फायदा अब तक न तो हुआ है और न अब कभी होगा। इसके अंदर ज्यादातर वो लोग हैं जिनका कोई इलाके में प्रभाव नहीं है, वो सिर्फ वो लोग हैं जो एसएचओ से मिलते हैं, जाप्ते से उनकी मुलाकात है, और जो थाने के लिए कुछ समस्याएं हो तो उनका निराकरण थाने स्तर पर वो कर देते हैं, दलाली भी करते हैं, जिसका काम जैसा आप बता रहे हैं वो सही है। परंतु वो सीएलजी आज अगर कहीं नानक चौक में, कहीं रामगंज में कोई दंगा फसाद, कोई आपस में गुटों में झगड़ा हो जाए, तो सीएलजी जाकर के बीच में रोक नहीं लगा सकती है, उन सीएलजी में इतना दम नहीं है। ये सिर्फ एक, जिस तरह से नए नए आती है गवर्नमेंट, नए नए डीजी आते हैं, उस तरह से कभी गवर्नमेंट ने ये सीएलजी का एक रख दिया। जैसे आपने बताया कि स्वागत कक्ष, अब मैं स्वागत कक्ष 20 साल से देखता आ रहा हूं, 20 साल पहले भी कोई जब सीएम थे तो उन्होंने ही स्वागत कक्ष के लिए कहा था, और अभी नए हैं क्योंकि आपको 20 साल पुरानी याद नहीं है, तो अभी नहीं है तो इनके स्वागत योग्य हो गई। तो ये बिल्कुल सही है कि ये चीजें रिपीट होती रहती हैं। मेरा कहने का तात्पर्य है, पहले सब महिला डेस्क होनी चाहिए, सब थी इवनिंग में, अरे साहब महिला के लिए अलग, महिला से पूछताछ करेंगे उसके लिए अलग महिला डेस्क बाहर लिखेंगे। लोगों ने तो थाने में जगह नहीं थी, जो बाथरूम बंद कर रहे थे उनके ऊपर जा लिखे पड़े थे। ये आज के आज जो हमारे कमिश्नर साहब है, आप इनसे पूछ सकते हैं कि उन्होंने थाने में जब मुआयने किए तो थाने का जो बाथरूम था टूटा फूटा बंद, तो चूंकि तकमील करनी थी तो वहां लिख दिया महिला डेस्क। तो ये ऐसी चीजें यहां देखने को मिलती हैं, इन्होंने सुधार करने के लिए बहुत बड़ा जिगर चाहिए, और ये तभी होगा जब राजनीतिक लोग राजनीतिक बुद्धि का प्रयोग वहां करने की बजाय कि हमें वोट लेना है, हमें राजनीति करनी है, उसको छोड़ना पड़ेगा और 5 साल तक देश की जनता की सेवा करनी पड़ेगी। जब ये सोच लेंगे कितना पैसा एडवर्टाइजमेंट में खर्च होना है, आप देखिए कितना पैसा खर्च करते हैं, अब अखबारों में देखिए, आज देखिए कि परसों पुलिस ने इतना अच्छा काम किया, आज वो सरदार शहर का मामला एक तरफ आ गया, अब आप देखिए पुलिस ने अच्छा काम किया उधर बुरे काम का आ गया। मेरा कहने का तात्पर्य इन सब चीजों को ही सरकार को देखना है, सरकार में सरकार के राजनेता आ गए, गृहमंत्री आ गए, डीजी आ गए, एसपी आ गए। मैं तो ये देख रहा हूं कि अखबार में जिस तरह का आचरण एसपी का देख रहा हूं, मैं समझता था कि जब मैं थानदार था उस समय तो डीवाईएसपी भी ऐसा आचरण नहीं करते थे जो आजकल एसपी कर रहे हैं। मुझे दुख होता है, लोग मेरी तरफ देखते हैं कि जोशी जी आप भी तो पुलिस में थे, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे को शर्म आती है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि हमसे अगर पूछा जाए तो सबसे पहले इसके अंदर सुधार करें। जो थाना अधिकारी है वो इलाके में घूमे, थाने पे बैठने की जरूरत नहीं, थाने में डीओ रहता है, लेकिन वो इस इलाके में घूमे, इलाके में बाजार में घूमे, पान की दुकान पे घूमे, दारू की दुकानें चेक करे, ये सारा काम एसएचओ का शाम को होना चाहिए जो 4 बजे से 8 या 9 बजे तक रहेगा। अगर वो ऐसे घूमेगा, मैं देखता हूं, मैं इलाके में नहीं घूमता हूं, ना मुझे ट्रैफिक का सिपाही नजर आता है चौराहे के ऊपर, न मेरे को एसएचओ नजर आते हैं, न इंस्पेक्टर नजर आते हैं। मैं तो इसलिए नहीं कहता हूं कि मैं कहूंगा तो मुझे बुरा मानेंगे, बाकी शाम को कोई भी बाजार में एएसआई से ऊपर का अधिकारी देखने को नहीं मिलता, कभी कभी डीवाईएसपी मिल जाते हैं, वो भी जो सोचते हैं कि यार मेरा वजूद रहना चाहिए, मुझे लोग समझना चाहिए कि मैं पुलिस में या डीवाईएसपी हूं। तो इस पुलिसिंग के बारे में शुरू से विचार विमर्श करना चाहिए कि सिपाही से लेकर एक एसपी तक प्रतिदिन क्या काम करेंगे, रात्रि को क्या काम करेंगे, ये जब तक नहीं होगा जब तक आप इस सुरक्षा के बारे में विचार मत कीजिए। मैं खेमचंद जी आपके पास आना चाहूंगा जी, एक बड़े एक रोचक बात है, सीएलजी का भी मकसद तो यही था कि शायद पब्लिक और पुलिस के बीच सामंजस्य बैठेगा, एक सोशल सेक्टर का भी एक इसमें वो रहेगा कि चले समाज के साथ में जुड़ रही है पुलिस। लेकिन पिछले कुछ सालों से हो क्या रहा है कि सीएलजी तो एक तरह से पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होने लग गए कि साहब वो सरकार गई अब आप उसको अटवाइए, अब इसको लगाइए, ये अपना कार्यकर्ता है। तो ये जो चीजें हैं, जैसे जोशी साहब की पीड़ा थी अभी कि राजनीतिक दखल इस स्तर पर भी नहीं होना चाहिए, सीएलजी में क्या आप उचित मानते हैं कि पॉलिटिकल दखल इस स्तर से, आप पता कर लेना, हो सकता है आपके ध्यान में भी हो, पब्लिक के बीच आप हमसे भी ज्यादा रहते हैं, कि पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट हो रहे हैं सीएलजी के अंदर, इस कार्यकर्ता को साहब सीएलजी में फिट करिए, अब इसमें मिलता क्या है?
जिम्मेदारी समझो तो समाज और पुलिस के बीच आपको एक कड़ी के रूप में काम करना है, लेकिन सीएलजी की स्थितियां ये हो रही है। देखिए सीएलजी का जो कंसेप्ट जब आया था, निश्चित तौर पर सीएलजी का काम जो था पुलिस और आम जनता के बीच, कहीं कोई अपराधी उसकी कॉलोनी में उसके बीट क्षेत्र में रहता हो उसको पुलिस की जानकारी देना, कहीं ऐसा कोई व्यक्ति जो समाज के लिए संकट पैदा करने वाला लगता हो उसकी पुलिस को सूचना देना, या पुलिस का अपनी बीट के क्षेत्राधिकार में सहयोग करना था। पर अब जो आपने जो बताया है, श्याम जी ने बताया कि सीएलजी ने अपना धंधा ही बदल लिया, वो सिर्फ एसएचओ के लाइजनिंग करने में लग गया, वो थानेदार जी के लाइजनिंग करने में लग गया, वो एएसआई के लाइजनिंग करने में लग गया, इसके कारण सीएलजी का पूरा स्ट्रक्चर ही बदल गया। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, एसएचओ साहब भी क्या करते हैं, उसके 5 लोग 15 लोग जो मिलने वाले होते हैं उनको सीएलजी बना देते हैं, 4 पेड़ पौधे लगवा लेते हैं अपने थाने में, उसको सीएलजी बनवा देते हैं। ये कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को इस पे सोचना होगा, एसएचओ को सोचना होगा, उसके ऊपर के अधिकारियों को सोचना होगा कि वास्तव में हमें सीएलजी उसको बनाना चाहिए जो काम कर रहा है, हमें वास्तव में समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति को सीएलजी बनाना चाहिए। और राजनीतिक दखल प्रभाव भी हो थोड़ा सा, राजनीतिक दखल की जो आप बात करें, हमारे दृष्टि में ऐसा कोई राजनीतिक दखल हमारी सरकार में हमने देखा नहीं। यदि ऐसा सरकार में हुआ हो, यदि किसी भी सरकार में, यदि किसी भी सरकार में ऐसा दखल होता है तो राजनीतिक लोगों को यह दखल नहीं देना चाहिए, पुलिस के अधिकारियों को, सक्षम लोगों को जो कॉलोनी में अच्छी पकड़ रखते हो, अपने क्षेत्र में अच्छी पकड़ रखते हो, ऐसे लोगों को सीएलजी का मेंबर बनाना चाहिए। चलिए दूसरी बात, अभी जो जोशी साहब ने जो कहा जयपुर की जो हालत अभी बहुत भयानक पीड़ित है, आज का जयपुर पुलिस प्रशासन के इस फेल्योर से इतना पीड़ित है कि जयपुर के शास्त्री नगर में एक घटना हो जाती है, सिकंदर अली उर्फ जीवाणु नाम का एक व्यक्ति एक बच्ची के साथ बलात्कार, ये जो सांप्रदायिकता फैलाने, सांप्रदायिकता फैलाने, इस सरकार को सोचना पड़ेगा। आपके पास आना चाहूंगा मैं, एक तो सीएलजी को लेकर के जानना चाहता हूँ, हमारे नजर के अनुसार, हमारे पुख्ता जानकारी के अनुसार पिछले कुछ सालों से बिल्कुल राजनीतिक दखल, 100% राजनीतिक दखल, दर्जनों में ऐसे लोगों को बता सकता हूं, बाकायदा हटा करके, और कि नहीं ये पार्टी का कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता हूं, एमएलए के एसएलएस को फोन मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं झूठ नहीं कह रहा, लेकिन ये राजनीतिक दखल होगा तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि पुलिस का काम पुलिस को छोड़ने दीजिए, सोशल सेक्टर के लोग हैं, अगर जुड़ते हैं बहुत अच्छी बात है। योगेंद्र जी मैं बिल्कुल आपकी बात से 100% सहमत हूं, और मेरे को इसके सैकड़ों एग्जाम्पल ध्यान में है, सीएलजी मेंबर एक प्रकार की राजनीतिक नियुक्ति हो गई थी एक स्थानीय लेवल पर, सीएलजी मेंबर होना एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाने लग गई थी, और आपको बता दूं स्टार्टिंग में जरूर कुछ अच्छे लोगों को इसमें मेंबर बनाया गया था, उसकी बाकायदा मॉनिटरिंग होती थी, मीटिंग होती थी, लेकिन पिछले 4-5 सालों के अंदर देखे हम तो सीएलजी मेंबर कौन आ रहे हैं, भूमाफिया जो क्षेत्र के बदमाश व्यापारी है जिनका क्षेत्र में दबदबा है, पार्टी पॉलिटिक्स से जुड़े हुए लोग, किसी धर्म संस्थान से जुड़े हुए लोग, जबकि सीएजी के अंदर किन लोगों को लेना चाहिए जो फ्री हो, बुजुर्ग हो, जो आदर्श हो समाज के अंदर, जिनका अपने मोहल्ले के अंदर, हम देखें 20 घरों पर, मैं एक बात कहना चाहूंगा, देखो राजनीतिक लोग भी इसी समाज के अंग हैं, लेकिन ऐसे मामलों के अंदर उनका प्रभाव राजनीतिक दखल वाला नहीं हो, हो सकता है अच्छे लोग भी हैं राजनीति के अंदर जो बिल्कुल सामंजस्य से बैठाते हैं, खासकर कर सीएलजी की जब कभी लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम आती है, कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, आप जिस तबके के साथ पुलिस का टकराव हो रहा है उस जगह आपकी अहमियत है कि आप वहां पे जाकर के कुछ मदद कर सके पुलिस की, वो जब तो सीएलजी है, और आप मदद कर रहे हैं कि मेरी बात हो गई है, चाय की दुकान पे पैसे दे जाना, यही हो रहा है, फिर तो कोई फायदा ही नहीं है, यही हो रहा है सीएजी में, सीएजी का एक और उपयोग, मैं वकील हूँ इसलिए हम देखते हैं पुलिस एक और उपयोग लेती है कि जब पुलिस को 2 स्वतंत्र गवाह नहीं मिले तो क्या करती है, सीएलजी को बुला लेती है, सीएलजी मेंबर आके बताइए कितनी मतलब एक वो बात है, जब हम कोर्ट में उसको पूछते हैं कि भाई तू गवाह कैसे बना, तो धीरे से कहता है साहब मैं तो सीएलजी मेंबर था, गलती से पुलिस ने बढ़ा दिया, मतलब ये इस तरह से हो रहा है वो। चले मैं माफी चाहूंगा, समय कम है, कुल मिलाकर के वास्तव में पुलिस को खुद को भी जनता के साथ में उसी आत्मीयता के साथ में एक इंटरेक्शन करना चाहिए, जुड़ाव करना चाहिए जिसका अभाव है,
इसी की वजह से हमारे यहाँ पे जो लोग आते हैं उनका पता नहीं चल पाता कि कौन रह रहा है, कौन नहीं रह रहा है, किस नेचर का आदमी है। दूसरा, पुलिस आपके पास आती है कि नहीं आती है, बीट कांस्टेबल आता है कि नहीं आता है। लेकिन मैं एक बात जरूर आप लोगों को आगाह करना चाहूंगा कि जैसे अजमेर रोड की घटना है, अगर कोई भी बलि देने के लिए बकरा नहीं मिला तो तय मानिए कि आप मकान मालिक है तो आप जरूर बकरा बनेंगे। आप कोशिश करिए कि आपके यहाँ पे किराएदार घरेलू नौकर रह रहा है, आप उसका पुलिस वेरिफिकेशन कराइए, आप फॉर्म देके आइए। अगर पुलिस टालन टोली कर रही है, आप उससे रिसिप्ट लेकर के आइए कि मैंने इतनी तारीख को मेरा फॉर्म सबमिट किया है, और आप इस पर लिख दीजिए फॉर्म रिसीव्ड। बाकी का काम पुलिस का है। एटलीस्ट आपके बचाव के लिए डॉक्यूमेंट बहुत जरूरी है। आने वाला समय अगर इस तरह के हालात होंगे तो फंसने में आप भी पीछे नहीं रहेंगे। ध्यान रखें, मैं आगाह कर रहा हूं आप सभी को। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में आज इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।